पुलिस ट्रेनिंग ड्राइविंग स्कूल है, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के नाम से, जिसमें हम अपने ड्राइवरों को प्रशिक्षित करते हैं शासकीय। तो एक और खोलने का प्रस्ताव शासन को भेजें जो दतिया में खुले, ऐसा प्रस्ताव भेजा है कि उसे आधुनिक बनाया जाए और तमिलनाडु के पैटर्न पर उसकी संरचना हम करें। ये आप सबको विदिती है, मैं रिमाइंडर भी कर देता हूं कि प्रदेश के अंदर जितनी एनजीओ है या सामाजिक संस्थाएं हैं या जो सड़क से जुड़ी संस्थाएं हैं, लाइन है, रोटरी है वगैरह वगैरह इत्यादि, वो सामाजिक भी हो सकती और एनजीओ भी हो सकती है, ये अगर सड़क को ठीक करने की दिशा में पहल करती हैं तो इनको भी पुरस्कार दें, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके, जैसे फर्स्ट में 5 लाख, सेकंड में 3 लाख, फिर 2 लाख, इस तरह का भी हो। और एक्सीडेंट के पहले घंटे में जो गोल्डन आवर होते हैं, पहले हफ्ते में जो भी समाज का व्यक्ति, जो एक्सीडेंटल व्यक्ति है, उसे अस्पताल लेके जाता है घायल अवस्था में, तो समाज के लोग पूछने से इसलिए बचते हैं कि फिर पुलिस की पूछताछ होगी, तो अगर वो व्यक्ति नहीं चाहेगा तो कोई पूछताछ नहीं होगी, लेकिन उस अवर में वो अस्पताल पहुंचाए, पुलिस की ओर से कोई हैरेस नहीं किया जाएगा, उसकी इच्छा हो बयान दे, उसकी इच्छा हो वो बयान न दे। इसको भी आज समीक्षा इस विषय में की कि इसको हम इन दोनों तीनों विषय को और आगे बढ़ाए और ट्रैफिक सुधार की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़े। आपका कोई सवाल? नहीं, मूल रूप से मोरेना में है, खरगोन में है और एक सीहोर, ये 24 मोरेना में है सर, 24 ही यहाँ है और 29 खरगोन में, ये 3 पॉइंट है। छोटे छोटे तो अलग है पर बड़े स्पॉट यहाँ पर है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे जस्टिस हैं जो इस बारे में सलाह देते हैं, उनकी एक समिति बनी हुई है और इस दिशा में पीडब्ल्यूडी विभाग और सड़क विभाग और वो सब राय लेके आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी उसका निदान करेंगे। कोई ना कोई जो टर्न होते हैं दूसरी चीजें निदान निकाल रहे हैं। ट्रैफिक की बैठकें होती रहती हैं और अभी तक ऐसा नहीं सुनने में आया, चूंकि हम भी जिले में रहते हैं, प्रभारी मंत्री के रूप में भी रहते हैं, जानकारी तो लेते ही है। नियमित बैठकें मेरे ख्याल से मासिक तिमाही बैठकें इनकी होती हैं, और भी आपने अगर ध्यान आकर्षित किया है तो हम इसको और देख लेते। बिराज जाए हमारा वो इस तरह विस्तार से बताऊंगा कि तू परेशान हो जाएगा। एक हफ्ते में मैं भेज दूंगा, मेरे पास आते। कोरोना पर सर कुछ दिल्ली का हालत खराब हो गया, मध्य प्रदेश पर ईश्वर की कृपा है, माई की कृपा है, और चूंकि वैश्विक संकट है वो ऐसा नहीं दिल्ली में हो रही है, विश्व में कई देश ऐसे आ गए हैं जहां बैक मारा है उसने, पर उसका मूल रूप से तो सावधानी ही उपचार है। जब तक जिस तेजी से आज भी मैंने सुना पढ़ा और देखा, देखा से मतलब टीवी, देखा सुना मतलब रेडियो और पढ़ा मतलब अखबार, इन तीनों की मैंने देखा सुना और पढ़ा, मैं ऐसा लग रहा है कि वैक्सीन शायद बहुत जल्दी आने वाली है तो भयावहता पे नियंत्रण आएगा। उठ जाओ है मैं समझता हूं हम अगले 24 घंटे में किसी निष्कर्ष पे आ जाएंगे। सर, थोड़ा सा
सर जो थोड़ा 700 का सबसे बड़ा कारण बन रहा है इस टाइम जो सड़कों पर जो मवेशी घूमते रहते हैं, मवेशी ले जाते हैं, रात में अधिकतर जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, मवेशी को हटाने के लिए पहले भी कवायद चली थी, लेकिन पहले वाली कवायद ही इतनी भ्रमित करने वाली थी कि गौशाला बनाएंगे और बनाई थी नहीं, कागजों पर बन गई थी वो, अब उनको हम बनाने में लगे हुए हैं, इनको एक उचित स्थान पर पहुंचा देंगे तो फिर ये इसमें कमी आ जाएगी। आपको समझ गया।